गुफ्तगू का बहुत बहुत स्वागत है। वक्त चला है कुछ अहम खबरों पर नजर डालने का, सीधा रुख कर रहे हैं बड़ी खबर की ओर। आज कुरुक्षेत्र दौरे पर रहेंगे सीएम नायब सिंह सैनी, अब से कुछ ही देर बाद लाडवा में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। सुबह 11 बजे रत्नावली महोत्सव के समापन समारोह में पहुंचेंगे। दोपहर 12 बजे पिहोवा में संत समाज सम्मेलन में शिरकत करेंगे। दोपहर करीब 1 बजे दिल्ली रवाना होंगे नायब सिंह सैनी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तमाम दर्शकों तक ये खबर साझा कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद लाडवा में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। सुबह 11 बजे रत्नावली महोत्सव के समापन समारोह में पहुंचेंगे। दोपहर 12 बजे पिहोवा में संत समाज सम्मेलन में करेंगे शिरकत। दोपहर करीब 1 बजे दिल्ली रवाना होंगे नायब सिंह सैनी। तो कुरुक्षेत्र से हमारे संवाददाता गगन जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। गगन, कितनी देर बाद नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र पहुंच जाएंगे और आज का क्या कुछ शेड्यूल है, कौन कौन से कार्यक्रम आज? बिल्कुल साधना, कल देर रात से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने निवास स्थान पर मौजूद हैं और आज जिस तरीके से अभी कुछ ही देर के बाद जो है लाडवा में पहुंच जाएंगे। इसमें मैं जहां निजी पैलेस में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, धन्यवाद जिस तरीके से कह सकते हैं कि धन्यवाद मुख्यमंत्री करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे और कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री अभी लाडवा पहुंच जाएंगे। तमाम जो तैयारियां कर ली गई हैं, देखिए कार्यकर्ताओं में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री धन्यवाद करने के लिए पहुंच रहे हैं और कुछ समस्याएं भी देखिए सुन सकते हैं मुख्यमंत्री। उसके बाद जो है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में रत्नावली का अंतिम दिन है और उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे और उसके बाद जो पिहोवा में संत समाज सम्मेलन है वहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिरकत करेंगे। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, तमाम बड़े नेता भी वहां पर मौजूद रह सकते हैं। पूरे प्रदेश से ही नहीं, देश से संत समाज के लोग वहां पर पिहोवा धर्मनगरी पिहोवा पहुंच रहे हैं और वहां पर हवन भी मुख्यमंत्री करते हुए दिखाई देंगे और जिस तरीके से तैयारियां पूरे जोरों शोरों से देखने को मिल रही है। इस समय मैं देखिए जहां पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होना है मैं इस समय वहीं पर मौजूद हूँ। लगातार जो है कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिस तरीके से धन्यवाद करने के लिए मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो बहुत ही खास देखिए दौरा रह सकता है और क्या कुछ सौगात भी जो लाडवा वासियों को मुख्यमंत्री आज दे भी सकते हैं। और देखिए तमाम जो तैयारियां हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं और अभी कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री यहाँ लाडवा पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल गगन, देखिए क्योंकि तस्वीरें भी लगातार आप साझा कर रहे थे, इससे पहले भी हमने क्योंकि देखिए दिल्ली रवाना भी होंगे आज नायब सिंह सैनी, उससे पहले तमाम कार्यक्रम हैं। आज नायब सिंह सैनी के शेड्यूल में कुछ बदलाव किया गया है, क्या कारण रहा जो शेड्यूल में बदलाव करना यहां पर देखने को मिला? और दूसरा सवाल यह है कि आज संत समाज सम्मेलन होने वाला है, इस कार्यक्रम को लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए जानकारी जो मिली थी कि पहले लाडवे का प्रोग्राम था 10 बजे का, तकरीबन उसे उसके समय को चेंज कर दिया गया था और फिर उसके बाद सीधा जो पिहोवा जहां पर संत समाज का सम्मेलन है वहां पर मुख्यमंत्री ने पहुंचना था, लेकिन उससे पहले ही शेड्यूल थोड़ा चेंज कर दिया गया था क्योंकि कुरुक्षेत्र में रत्नावली का अंतिम दिन है और राज्य स्तरीय रत्नावली चल रही है तो अंतिम दिन में मुख्यमंत्री जरूर पहुंचते हैं और तकरीबन उसके बाद जो है 2 बजे जो दिल्ली रवाना मुख्यमंत्री के द्वारा होना है, बहुत ही अहम बैठक दिल्ली में बताई जा रही है। देखिए शेड्यूल इसी वजह से देखिए चेंज हो सका है और अभी कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री पहुंच जाएंगे लाडवा में और देखा जाए तो रत्नावली को लेकर भी कुछ अलग ही कार्यक्रम वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिल सकते हैं और संत समाज की सम्मेलन की बात की जाए तो पूरे देश से जो संत समाज के लोग आ रहे हैं तो बहुत ही खास जो सम्मेलन है वो रह सकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी साथ मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गगन जानकारी देने के लिए। आप लगातार नजर बना रखेगा, जैसे ही नायब सिंह सैनी पहुंचेंगे आपसे हम तुरंत जानकारी लेंगे। बहुत शुक्रिया।